हेलो फ्रेंड्स, आकाश इनसाइट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टाइलाइज स्पीक्स में। 10वीं 12वीं परीक्षा अप्रैल ते मे महीना घेण्याचा विचार सुरू आहे, वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है। इन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि हमारे जो 10th और 12th का जो एग्जाम होगा और जो एग्जाम वो कंडक्ट करेंगे वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करने का विचार चल रहा है। उन्होंने क्या कहा था ट्वीट में एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद वो न्यूज में जाते हैं। वहाँ पे क्या पॉसिबल है एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करना, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए उन्होंने क्या क्या ट्वीट्स यहाँ पे लगा था, उन्होंने 5-6 ट्वीट्स कहे थे। देखिए क्या क्या कहा है उन्होंने। माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांबाबत शिक्षण विभागाच्या तज्ञ मंडळांशी बोलणे सुरू आहे। राज्यात प्रत्येक भागाच्या अडचणी वेगळ्या वेगळ्या आहेत, त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा घेणे कठीण आहे, तरी देखील यावर विचार सुरू आहे। येस, सेकंडरी आणि हायर सेकंडरी जो एग्जाम्स होंगे राईट, तो यहाँ पे वो तज्ञ लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना। अगर उनको तो डिफिकल्ट लगा बट फिर भी इस पर विचार शुरू है। आगे उन्होंने कहा कि अनेक ठिकाणी आरोग्याची काळजी घेत हळूहळू शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे। जिकडे नेटवर्क नाही आहे तिकडे स्वतः शिक्षक लावून शिकवण्याचा प्रयत्न, ज्या नेटवर्क नाही आहे वहां टीचर खुद जा रहे हैं। बट यस, सभी स्कूल चालू करके वो पर्टिकुलर तालुका में एक आदर्श स्कूल तैयार करने का उन लोगों का मिशन है। आगे उन्होंने कहा कोरोना मुळे अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या, कोरोना से बहुत सारी चीजें उनको सीखने मिली। येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरणार आहे, विविध ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करावा लागेल, यासोबतच आदर्श शाळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे। यस, स्कूल कैसे और डेव्हलप हो सकता है, टेक्नॉलॉजी को कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है स्कूल में, प्लस बच्चों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, यही वो लोग ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कहा पेपर तपासणी शिक्षकांनी केलेल्या कामाचं कौतुक आहे, यस पेपर चेक करण्याने जो टीचर्सने हेल्प किया है वो वेरी इम्पॉर्टंट है। आगे उन्होंने कहा विरोधकांसोबत चर्चा केली होती, शाळा व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे, स्कूल चालू करणे वो वहां पे जो लोकल गव्हर्नमेंट है वो सोच विचार करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यामुळे कोणत्या विद्यार्थ्याला वंचित ठेवणे चुकीचं आहे राईट, असे वर्तन जे आपण शाळेत करत येईल अशा शाळांवर कारवाई होईल। देखिए कोई भी स्कूल स्टूडेंट को टीचिंग से, इन द सेंस सिंपल है, लर्निंग से, सीखने से वंचित नहीं रह सकता। अगर ऐसा कोई स्कूल कर सके, फीस की वजह से अगर सपोज आप पे फोर्स किया जा रहा है नहीं बैठने दे रहा है, ऐसा अगर कोई स्कूल हो तो उस पर क्या किया जाएगा सर, एक्शन लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है ऑनलाइन परीक्षा कठिन तरी देखिए कई मार्ग में तो आया हुआ विचार हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम लेना यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिफिकल्ट लग रहा है बट इससे विचार चालू होगा। विद्यार्थी तणावात राहू नये यासाठी सिलेबस कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यस स्टूडेंट्स और उनका तनाव में ना रहे इसके लिए सिलेबस कम करने का उन्होंने सोच लिया है। क्या ये और कम हो सकता है उसके ऊपर भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 25 जिल्ह्यात शाळा सुरू केल्या आहेत, यस 25 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल चालू कर दिए गए हैं। अभी बात करते क्या 10वीं 12वीं के स्कूल्स अप्रैल एंड सॉरी जो एग्जाम्स है वो अप्रैल एंड मई महीने में शुरू हो सकते हैं राइट, वो टाइम टेबल कब आ जाएगा। इन्होंने जो एबीपी माजा को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी स्कूल है राइट और कॉलेजेस है उन जो एग्जाम लेंगे राइट, तो वहां पे हाँ क्या ये वाला कंटेंट हमें पढ़ना है बेटा, क्या ये पॉसिबल है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना, क्या कहा उन्होंने। देखिए 10वीं 12वीं परीक्षा या साधारणतः फेब्रुवारी मार्च मध्ये घेतल्या जातात, मार्च फेब्रुवारी में लिहिली जाते नॉर्मली, परंतु अद्यापही काही ठिकाणी शाळा सुरू केल्या नाहीत राईट, काही ठिकाणी सध्या शाळा सुरू करणं शक्य झालं नाही। या संदर्भात आपण शिक्षण तज्ञांचं मार्गदर्शन घेत आहोत, जो एज्युकेशन फील्ड में जो राईट जो तज्ञ लोक आहेत उनका मार्गदर्शन लिया जा रहा है। सो यस और सोच विचार चल रहे हैं उनका। आयोग ने कहा है कि यस सर्वसाधारणपणे मे किंवा एप्रिल मध्ये परीक्षा घेतल्या जाव्यात, मे एप्रिल में आपके एग्जाम्स होंगे 10th और 12th के बच्चे ध्यान दे, कारण जून मध्ये कोकणात खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो तर मे महिन्यात विदर्भात प्रखर उन्हाळा असतो, त्यामुळे येत्या काळात निर्णय घेतला जाईल असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं। कोकण में जाओगे तो जून में वहां पे बारिश होगी, अगर आप विदर्भ में जाओगे तो वहां पे ज्यादा क्या होगी धूप होगी, तो यस आपके जो एग्जाम है अप्रैल मई में कंडक्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा किसने कहा है सर, वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है। तो यस आपके एग्जाम होंगे और यस मुझे तो लगता है एज अ मेरा अगर ओपिनियन आप पूछोगे तो ये एग्जाम आपके ऑनलाइन मोड से तो नहीं होंगे राइट, ये ऑफलाइन मोड से ही होंगे, आपको वहाँ पे जाके ही आपको पेपर लिखना होगा, ये डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा आगे कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स ज्यादा होने के कारण ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए उन्होंने यहाँ पे कह कह दिया था 10वीं 12वीं परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा प्रस्ताव तज्ञांसमोर ठेवला होता, पण क्या हुआ क्या
ठीक आहे. उन्होंने कहा की बारावी दहावीचे बारावीचे विषय भरपूर असतात, खूप असतात, तसेच वेगळ्या वेगळ्या भाषाही असतात, त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेणं शक्य नाही. अलग अलग भाषा होती तो इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना डिफिकल्ट होता है, राइट. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कनेक्टेड रहिएगा स्काई स्पीक्स के साथ. एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब करो, वहां पे बेल आइकन को प्रेस करना, वहां पे ऑल क्लिक करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.